आज हम मौजूद हैं ये इमाम बारगा के पास, जो रात में ना एक बिल्डिंग गिर गई थी, उस हवाले से आज हम यहाँ पे आए हैं। ये जो कि रात के टाइम में गिर गई थी। अभी हमारे साथ एक मौजूद हैं रिहायशी, जो उस वक्त जैसे ही सीढ़ियाँ गिर रही थी उस वक्त वो भी वहाँ ही मौजूद थे। आप बताइएगा ये कैसे गिरी बिल्डिंग? हम खड़े हुए थे, नीचे बातचीत कर रहे थे, अचानक कड़कड़ की आवाज़ आई, तो हम समझे ऊपर कोई काम वगैरह कर रहा होगा या कोई चीज़ गिर रही है, तो हम यही समझ रहे थे। तो इतनी देर में हल्का सा वाइब्रेट हुआ, जैसे वाइब्रेट हुआ डायरेक्ट छतें डायरेक्ट नीचे आई है। सीढ़ियों का जो हिस्सा होता है ना, कॉमन टाइप का जो होता है, वो सीढ़ियाँ नीचे गिर गई हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं इससे? इस पर भी हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब ये बिल्डिंग गिर रही थी तो उस वक्त आप भी इस बिल्डिंग के अंदर थे? मैं मलबे के नीचे था। अच्छा, हम दो बंदे मलबे के नीचे दबे हुए थे, हमको लोगों ने आके निकाला। हम तो पहले मैं निकल गया, बाद में दूसरे लड़के को उसको आवाम ने निकाला। तो ये जैसे ही बिल्डिंग गिर गई थी, सीढ़ियाँ मेन सीढ़ियाँ डैमेज हो चुकी थी, तो आप लोगों ने ये आवाम को कैसे बाहर निकाला, जो रिहायशी लोग थे उनको? कोई बराबर में बिल्डिंग में से निकाला है, कोई कहाँ से निकाला है, कोई कहाँ से निकाला है, इसी तरह से निकाला है, जहाँ से रास्ता मिला आवाम को वहाँ से लोगों ने हेल्प करना चालू कर दिया। अच्छा, इसके हवाले से आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह मिला था? नोटिस वगैरह कोई नहीं मिला हमारे को, आज तक अभी नोटिस नहीं मिला। ये बिल्डिंग जैसे ही डैमेज हो गई थी तो आप लोगों ने किसी मतलब इलाके के लोगों को कहा, कुछ कहा हो? हमने दो तीन दफ़ा जो हमने अपनी कमेटियाँ वगैरह बनाई थी, मगर कमेटी में कुछ लोग बोल रहे थे, एग्री हो रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया अपनी उम्मीद में। अभी यहाँ पे बंद कर दिया है पुलिस वगैरह ने? तो बंद करने नहीं देंगे ना, हमारे तो मकान है, हम कैसे बंद करने देंगे? हमारे को हम क्या रोड पे आ जाएं, बीबी बच्चों को रोड पे लेके आ जाएं, हमको रहने का क्या करें? हमें बताएं ना कोई तरीके, अगर हमको बता दें हम रोड पे आके बैठ जाते हैं। आपकी क्या डिमांड? अब रोज़ की हमें तो ये भाई, हमको मकान के बदले मकान देते हैं या कोई रिहायश हमको देते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है, हमको इसी में तामीर करके देते हैं, हम इसी में रहने के लिए तैयार हैं। हमें हमारे की जो ज़रूरत थी मेंटेनेंस औकाफ का किराया लेने के लिए तुम आ जाते हो, ये नहीं देखते हो बिल्डिंग के अंदर क्या मसला है, पानी का क्या मसला है, क्या नहीं है, गटर की लाइन का क्या मसला है, वो कोई नहीं देखता है। औकाफ का किराया लेने के लिए, कोई चीज़ का फंड लेने के लिए आप आ जाते हो, फिर आप बोलते हो ये हमारा, हमने नोटिस दे दिया। कब नोटिस दी है, किसको नोटिस दी है? अच्छा, यहाँ पे जो फैमिलीज थी अब वो कहाँ शिफ्ट है? अब तो दर बदर है ना, या कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है, इसका कोई भी वो नहीं है। अब कहाँ तक रिश्तेदार भी कहाँ तक रखेगा, एक दिन दो दिन, अब बड़ी मोहरम आ गई है, आज आठवीं मोहरम लग गई, तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं ना, उनका कोई हल बताएं मुझे। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है? हम बोलते हैं मकान के बदले मकान दे दो, हम यहाँ बैठेंगे, हम मकान, हम सामान किसी को नहीं उठाने देंगे भाई, हम कहाँ जाएंगे? हम बताएं ना, हम रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, कोई चोट अकेट तो हम है नहीं, फिर हम क्या करें? मुझे बताएं, हल बता दें इनका। मेंटेनेंस औकाफ का लेने के लिए आ जाते हैं, ट्रेस आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। अंदर रहने वाले सब मोहताज और मिस्किन लोग हैं, तमाम गरीब हैं, उनको रिहाइश के लिए, सर छुपाने के लिए कहीं भी शेड मुहैया किया जाए, ऐसे वो कहाँ जाएंगे इस मौसम में? अचानक क्या अब ये कहा गया है कि खाली करके चले जाओ, अपना अपना सामान निकाल लो। अब वो पुलिस वाले दरवाज़ा भी बंद करके सामान निकालना चाहेगा, वो भी निकाल नहीं सकता है, इसलिए इतना टाइम दिया जाए कि जो सामान निकालना चाहता है उसको सामान अपना निकाल ले, दुकानों का या घरों का। जैसे ही आप लोगों ने हमें इसे शॉर्ट नोटिस में कह दिया है कि आप लोग सामान निकाल के चले जाएं, तो इस इतनी जल्दी हम कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं? इनका यही कहना है कि इसके बदले में यहाँ हमें तो कोई प्लॉट दिया जाए या कोई मुतबादल घर दिए जाएं, जिसमें हम अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकें।